गाइस तो आपका मास्टर क्राफ्ट एपिसोड 8 में स्वागत है। गाइस तो अभी हम लोग एहसान बायोम में आए कुछ साइन लेने के लिए गाइस, क्योंकि मैं इस एपिसोड में एक ब्लेस फार्म बनाने वाला हूँ। गाइस हमारी एफिशिएंसी 5 की डायमंड शवल के साथ जल्दी से ये तोड़ देते हैं। गाइस हमारे पास ऑलमोस्ट 3 स्टैक हो चुके हैं एक सैंड। अब 3 स्टैक सैंड से हमारा ग्लास बन के उसको हमें नेदर में ले जाके, गाइस जो हम लोग ने लास्ट एपिसोड में ब्लेस फॉर्नर देखा था ना, वहाँ पे मैं ये क्या बोलते हैं एक ब्लेस फार्म बनाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैंने इस सबको डाल दिया है। गाइस अभी मैंने मेरी इसको इंचेंट भी कर दिया है डायमंड एक्स के लिए। गाइस हमारे पास उतने एक्स भी नहीं है। गाइस यहाँ पे कुछ मॉब्स हैं, इन लोगों को मार देते हैं, देखते हैं अगर कुछ एक्सपी मिलती है तो। गाइस अभी मैं मेरे फार्म के लिए कुछ ये वाइन्स लेने आया हूँ। गाइस उस फार्म में हमें वाइन्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 2 हुए हैं गाइस, जल्दी से मैं ले लेता हूँ। हॉपर भी चाहिए देंगे। फ्रॉस्ट वॉकर चल क्यों नहीं रहा है ठीक से। गाइस अभी मैंने मेरा सब कुछ स्मेल्ट कर दिया है और गाइस मेरे पास 20 वाइंस भी आ चुकी हैं। गाइस मैं यहाँ पे अभी मेरा गन पाउडर फालतू सामान रख देता हूँ। गाइस हम लोग इस एपिसोड में एक ब्लेस फार्म बनाएंगे और एक आयरन फार्म। गाइस आयरन फार्म में बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस अभी तो मुझे ब्रूइंग स्टैंड तो बनाना आता है, तो गाइस अभी मैं मेरे विलेजरों को क्योर कर दूंगा 2, फिर उन्हें ब्रीड करके उन लोगों को अंडा डाल दूंगा मैं, फिर हमारा और आयरन फार्म ऑलमोस्ट रेडी। गाइस ये बेडरॉक एडिशन में आयरन फार्म थोड़े से डिफरेंट तरीके से चलते हैं। उसमें गाइस हमें 20 बेड चाहिए होती हैं और 10 क्या बोलते हैं ये विलेजर, तब जाके गाइस वो चलता है। तो गाइस अभी मैं हमारे स्पॉनर के नीचे आ चुका हूँ। गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा एक एरिया क्लियर करना है। गाइस मैं आपको ये सब फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पे ये ब्लेजेस पड़े हुए हैं। गाइस अभी तो मुझे गाइस और पता है मैं ये ब्लेज फार्म क्यों बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि वो जो मेरा सुपर स्मेल्टर है उसमें बहुत कोल लगता है, तो गाइस ब्लेज और ये बेस्ट होता है। गाइस तो अभी हमें हमारे उस स्पॉनिंग एरिया के नीचे क्या बोलते हैं ये 2x2 का ये बनाना है एक एरिया, और ये बन गया। गाइस हमारा 2x2 का एरिया बन चुका है। एक्चुअली गाइस ये 4x4 का है। गाइस अभी मुझे यहाँ से 3-3 ब्लॉक आगे लेके जाना है हर एक साइड से। गाइस अभी मैं हर एक साइड से आगे लेके जा चुका हूँ। और गाइस अभी मैं आपको एक फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। गाइस हमें इसे बहुत माइन करना पड़ेगा इस फार्म के लिए। गाइस इसको अभी आराम से कनेक्ट कर देते हैं, फिर गाइस हमें इसके अंदर ये क्या बोलते हैं ये ग्लास भरना है, और गाइस मुझे ये चारों साइडों से करना है। एक साइड हो गई। गाइस अभी मैं बाकी चारों साइड से आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। गाइस अभी हम लोग जल्दी से इन सबको भर देते हैं। गाइस उसके बाद हमें इसके पूरा सा इसका एक क्यूब बनाना पड़ेगा बड़ा सा। गाइस अभी मुझे उस क्यूब के लिए भी और एरिया क्लियर आउट करना पड़ेगा। गाइस जल्दी से गाइस मैं इसको माइन कर देता हूँ। गाइस ये आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ मैं। गाइस अगर हमारे ये अंदर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। गाइस जो भी मैं कहाँ पे डालना था, हाँ गाइस मुझे यहाँ पे एक क्या बोलते हैं बॉर्डर बनानी है स्टोन ब्रिक्स की। गाइस हम लोग कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, पर गाइस ये जो बेस है ना उसके लिए हमें ग्लास ही यूज़ करना है। हम लोग बॉर्डर के लिए फिर कोई भी यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइस हमारे पास गाइस मुझे स्टोन ब्रिक्स ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके लिए। गाइस आप बताओ और मैं कौन सा नया फार्म बनाऊँ।
हमारी सर्वाइवल सीरीज में। गाइस आप बताओ हम लोग हमारी सर्वाइवल सीरीज में कौन सा फार्म बनाए। और ये हमारा गाइस बॉर्डर, अरे यार गलत जगह प्लेस कर दिया। और गाइस हमारा ये बॉर्डर हो चुका है। अब गाइस मुझे यहाँ से चार चार पिलर्स बनाने और फिर उन्हें ज्वाइन करना है। गाइस माइनिंग करनी पड़ेगी अब जल्दी से। गाइस माइनिंग में बहुत टाइम जाता है। और अरे और हमें शायद से 10 ब्लॉक जाने थे। हाँ 10 ब्लॉक ही जाने होंगे। गाइस चलो फटफट माइनिंग कर देते हैं। ओ गाइस एक छोटा सा पिगलिन है वहाँ पे। पिगलिन गाइस मैं ये वाला एरिया भी क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ से पिलर्स बना देता हूँ सारे क्लियर करके। गाइस अभी मैं ये सब क्लियर कर रहा हूँ। गाइस मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ ये सब। हाँ तो गाइस अभी मैंने वो सब क्लियर कर दिया है। और गाइस अभी मुझे ये सब कनेक्ट करके फिर ऊपर एक ग्लास की रूफ बनानी है और चारों एजेस को मुझे इससे कवर करना है। गाइस मैंने ये बाकी सब को ज्वाइन करना है अभी। गाइस अभी और थोड़ी सी माइनिंग करनी पड़ेगी। गाइस मैंने उतनी माइनिंग कर ली है। अभी मैं गाइस इसको जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। यार कितना नदर आ के ये गाइस। वैसे भी गाइस वो सब हो गए। और गाइस अभी मैं जल्दी से आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ कि मैंने कितना ग्लास लगाया है। गाइस इसमें बहुत ग्लास लगा है। एक गास्ट कहाँ से आ गया। इस गास्ट को तो मैं मार के ही रहूँगा। छोड़ दो उस गास्ट को, छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं उस गास्ट को मार के। अभी वापस से हमला करने आ रहा है बेकू गास्ट। ज़्यादा होशियार है बन भाई। और गाइस ये हमारा हो चुका। और गाइस अभी मैं सारी एजेस को कंप्लीट कर देता हूँ। गाइस आप एक गाना सुनो तब तक। हाँ तो गाइस वो मैंने बना लिया। और गाइस अभी ये हमारा किलिंग चेम्बर स्लैश क्या बोलते हैं हमारा कलेक्शन रूम है। गाइस तो हमें इन प्लेसों से बहुत सारी एक्सपी भी मिलती है और क्या बोलते हैं ये भी मिलते हैं क्या बोलते हैं उसको ब्लेज रॉड्स। अभी गाइस मुझे यहाँ पे एक एरिया क्लियर आउट करना पड़ेगा बहुत सारा। हाँ तो गाइस अभी मैंने ये कर लिया है। और गाइस अभी मैंने यहाँ पे एक हमारा कलेक्शन चेम्बर बना दिया है एक यहाँ पे और एक इसको कनेक्ट करते हुए। और गाइस अभी हमें साइड में यहाँ पे पहले स्लैब्स लगाने हैं फिर उसके ऊपर ग्लास लगाने हैं। ऐसे गाइस इसके नीचे हमें ट्रैप डोर्स भी लगाने हैं। वो भी लगा दूंगा गाइस मैं बाद में। गाइस अभी ऊपर देखा गाइस हमारा ब्लेज स्पॉनर हो रहा है एकदम परफेक्टली नीचे है वो। अभी गाइस हमें यहाँ पे दो ट्रैप डोर्स लगाने हैं। ट्रैप डोर एक यहाँ पे। अरे गाइस वहाँ पे तो हमें लगाना ही नहीं था ग्लास। लॉल गाइस अभी वो सब मैं ठीक कर देता हूँ। देखो गाइस गलत जगह पे मैंने ग्लास लगा दिया था। अभी गाइस मैं जो यहाँ पे वाइंस लगानी है गाइस मैं वहाँ पे वाइंस नहीं लगा पा रहा हूँ। पर
ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? बेडरॉक में ऐसा होता है क्या गाइस? पता नहीं मुझे, जो भी है छोड़ो। गाइस अभी हमारा फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। गाइस अभी मैं यहाँ पे मेरा एक AFK चेंबर रूम बना रहा हूँ। रूम भी नहीं है गाइस, बस एक यहाँ पे मुझे बस खड़े ही रहना है। और गाइस ये हो चुका है। और गाइस अभी मैं ये सारी टॉर्चेस निकालनी पड़ेगी वहाँ से, तो गाइस हमारे प्लेस स्पॉन हो जाए। गया एक टॉर्च, गया दूसरा टॉर्च, गया तीसरा टॉर्च भी गया, और गाइस ये फोर्थ टॉर्च भी गया। अरे रे क्यों मार रहा है ये ब्लेज बना बात का मुझे। हो गया। अभी गाइस मुझे इसके ऊपर स्लैब लगाना है। और गाइस मैंने यहाँ पे एक लावा बकेट डाल दिया। गाइस मुझे चारों तरफ एक एक लावा बकेट डालिए, तो गाइस वो लोग आराम से उसके अंदर फ्लो हो जाए। लावा बकेट, एक और लावा बकेट डाल दी। अभी गाइस मुझे उन बाकी चारों तरफ से भी डालनी है लावा बकेट। यहाँ से भी डाल दी। और गाइस हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। गाइस ये 10 मंथ्स का बाद है। गाइस मुझे 10 मंथ्स बाद देखते हैं अभी कितनी ब्लेज रॉड्स मिली है लूटिंग ट्री के साथ। देखते हैं कितनी मिली है। गाइस 45 मिली है। अब गाइस मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाता हूँ। गाइस 1 घंटे बाद मुझे इतनी ब्लेज रॉड्स मिली है। गाइस अभी हम लोग ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। हाँ तो गाइस अभी हम लोग हमारे फ्यूल वाले चेस्ट में हमारी ब्लेज रॉड डाल देते हैं। गाइस अभी मैं रात में हमारे स्वॉर्म बायोम में आया हूँ। गाइस मुझे स्लाइम चाहिए मेरे कुछ फार्म्स के लिए जो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। बहुत सारा स्लाइम चाहिए। गाइस 21 स्लाइम, 25 स्लाइम बस गाइस। लॉल ज़्यादा स्लाइम नहीं मिला गाइस यार। चलो जो भी है गाइस अभी मैं नेदरराइट माइनिंग का आ गया हूँ। एक गाइस फायर रेजिस्टेंस का पोशन पी लेता हूँ। बहुत सारा एक्सपी है गाइस नीचे ना, बहुत ज़्यादा एक्सपी है गाइस। लगता है बहुत सारे क्वार्ट्स तोड़े मेरे TNT ने गाइस। और मुझे ऊपर एक एंशिएंट डेब्री भी दिख रहा है। कहाँ पे गया एंशिएंट डेब्री? और वो रहा गाइस, मैं उस जल्दी से उस एंशिएंट डेब्री को तोड़ देता हूँ। गाइस मुझे कितने एंशिएंट डेब्रीज मिले? अरे वो तो लावा में है गाइस। गाइस अभी हमारे पास 2 एंशिएंट डेब्रीज आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी माइनिंग, एक TNT। गाइस TNT एक्सप्लोजन में हमें कुछ नहीं मिला है। लॉल गाइस, गाइस आपको जो भी मैं लावा लाता हूँ ना गाइस, ये मैंने मेरे नेडर से ही लाता हूँ सारा लावा। जल्दी जल्दी। और ये गया, क्या मिला मुझे? गाइस इसमें भी एक भी एंशिएंट डेब्री नहीं मिला। गाइस अभी मैं यहाँ पे TNT एक्सप्लोजन करूँगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिला क्या। मिल जाए कुछ प्लीज। गाइस यहाँ पे भी एंशिएंट डेब्रीज नहीं मिली है। कब से एंशिएंट डेब्रीज नहीं मिल रही है यार गाइस मुझे। अब गाइस मैं थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ, माइनिंग से मिल जाए। ओ ओ ओ ओ गाइस एंशिएंट डेब्रीज, वाओ गाइस एंशिएंट डेब्रीज हमें माइनिंग से मिल गई। लॉल
एक दो टीएनटी यहाँ पे भी एक्सप्लोड कर देता हूँ, पता चला कोई साइड में एंशिएंट डेब्रीज होगी तो आए तो फिर ये क्या बोलते हैं हमें मिल जाएगी। अरे रे 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 आग लग गई। वैसे भी गाइस हमारे आर्मर में प्रोटेक्शन और फायर प्रोटेक्शन लगा हुआ है शूज में। गाइस तो अभी मैंने मेरा एंशिएंट डेब्रीज मेरे सुपर स्मेल्टर से ले लिया है। गाइस मैं टीएनटी की एक बार रेसिपी देख रहा था, याद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा गाइस गोल्ड बना लेते हैं गाइस। और एक नेदरराइट इंगेट गाइस, मैं मेरे शूजों को नेदरराइट का बना रहा हूँ गाइस, एकदम ओपी लगने वाले हैं मेरे शूज गाइस। अभी मैं एक स्टैक आयरन और लेके आ चुका हूँ गाइस, मुझे बहुत सारे हॉपर्स के लिए लगने वाला है गाइस। अभी चलो हमारा आयरन फार्म बनाना शुरू करते हैं गाइस। गाइस मेरे ये रहा गाइस, इस पर मैंने वापस से अब एक हो गाइस हमारा ये एफिशिएंसी 5 का डायमंड पिकैक्स हो गया है गाइस। वहाँ पे मैंने मेरे विलेजरों को भर के रखा है गाइस। अभी ये रहा गाइस मेरा विलेज ऑफ तफान गाइस, ये है हमारा मेन एरिया, यहाँ पे हमारे आयरन गोलम आके मर जाएंगे और हमारी कैट्स भी मर जाएंगी। हमें मेरी शवल और गाइस अभी मुझे कितने का एरिया खोदना था, हाँ 2x2 का नीचे का एरिया है, ये स्लैब लगाएगा नीचे, अजीब लगने वाला है। ठीक है गाइस, एक चेस्ट होपो एक गाइस होपो लगा देता हूँ गाइस, इसके ऊपर एक कैंप फायर। अब गाइस हमें इसके ऊपर कांच लगाना है ग्लास। अरे गाइस वहाँ पे नहीं लगाना था ग्लास, एक गलती हो गई, वहाँ पे नहीं लगाना था हमें ग्लास। तो फिर गाइस हमें अभी यहाँ पे एक स्क्वायर क्यूब बनाना है ऐसे गाइस, और फिर हमें उसको एक और लेयर का बनाना है, और गाइस फिर हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है ऐसे, और गाइस हमें उसे कनेक्ट करके उसके ऊपर बेड लगानी है गाइस। देखो ऐसे घर मुझे इस साइड से भी उसको करके एक बेड लगानी है वहाँ पे मुझे गाइस। ये देखो गाइस ऐसे करना है हमें इसके नीचे गाइस, अभी मैं विलेजर लगा दूंगा और बेड भी लगा लूंगा। अब गाइस हमारा आयरन फार्म हो चुका है गाइस, 1 घंटे के बाद रिजल्ट्स।